ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर की क्लासेस चल रही थी एमसीक्यू की, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर की है, ठीक है, इसका पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए आप अपना यूट्यूब ओपन कर लीजिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई, वहाँ पर हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे तो होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव और उसके बगल में एक प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, आप उस पर क्लिक कर लेंगे, वहाँ पे फिटर थ्योरी सेकंड ईयर के नाम पे प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, उस पर क्लिक करते ही उसको आपको वहाँ पर जो है आज की वीडियो प्लस इसके पहले की जितनी भी वीडियो आपको इकट्ठे एक साथ मिल जाएगी, आपको देखने में आसानी होगी। बाकी जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.globalitea.org। इस वेबसाइट पर जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे यूज करना मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आपको अपने फोन के गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई, जैसे सर्च करेंगे इस तरह से वेबसाइट आपके सामने होगी, पहले वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स नॉर्मल आपको मोबाइल फोन में दिखाई नहीं देगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे तीन डॉट बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आईटी कोर्स दिख रहा होगा, आईटी कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे यहाँ पे तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, इंप्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। आप फिटर थ्योरी का आपको चाहिए फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का चाहिए उस पर कर लीजिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन चाहिए उस पर कर लीजिए, मतलब जिसका भी आपको चाहिए होगा उस पर क्लिक करके आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेंगे, नया टाइप सर्च ओपन होगा, नीचे स्लाइड करेंगे दो ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर, सेकंड ईयर क्या है सेकंड ईयर पर क्लिक कर लीजिए तो नया टाइप इस तरह से ओपन हो जाएगा, और नीचे को आप स्लाइड करेंगे ना देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस वगैरह है, प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम पेपर के आए हुए हैं वो भी यहाँ पे अपलोड है, बाकी यहाँ पे नीचे आपके पीडीएफ वगैरह अपडेट होते रहते हैं और टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे बराबर अपडेट होते रहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 330 डिग्री तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को, कटिंग टूल की बात कर रहा है, टेम्पर्ड किया जाता है, ठीक है। हम लोग बार बार बात करते हैं कि किसी भी कटिंग टूल की जब बात आती है तो आप देखोगे तो दो वर्ड हमेशा एक साथ आता है, कौन सा दो वर्ड एक साथ आता है, हार्ड एंड टेम्पर, दो वर्ड हमेशा एक साथ आता है ना, हार्ड एंड टेम्पर की हम जब भी कटिंग टूल की बात करेंगे तो बाद में बताया जाता है कि इसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसका कहानी मैंने पीछे भी पार्ट में बता रखा है कि हार्ड और टेम्पर एक साथ क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हार्ड करते हैं किसी भी मटेरियल को तो हार्डनिंग करने पे क्या होता है कि वह कठोर हो जाता है, कठोर होने का मतलब है कार्बन की मात्रा बढ़ जाना, किसी मटेरियल में कार्बन की मात्रा जितना अधिक वह उतना ज्यादा कठोर होगा। तो जब हम लोग कठोर करते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ने की वजह से वो कठोर तो हो जाता है, पर कठोरता के साथ साथ उसमें एक कह लीजिए दोष भी आ जाता है, वह है ब्रिटलनेस का, ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता। जब कठोरता बढ़ती है ज्यादा हार्ड होने की वजह से, ज्यादा कार्बन होने की वजह से उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, भंगुरता का, तो मतलब वस्तु तो हमारी हार्ड हो जाएगी उसमें, नो डाउट वो जल्दी घिसेगी नहीं, जल्दी आपका कटेगी नहीं, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि वो अचानक इंपैक्ट को नहीं सहन कर पाएगी, क्योंकि कठोर तो हो गई लेकिन उसके कार्बन ज्यादा आने की वजह से भंगुरता का गुण आ गया, भंगुरता से दिक्कत क्या होगी, अगर इंपैक्ट लोड पड़ता है, अचानक लोड पड़ता है तो उस केस में वस्तु हमारी टूट जाती है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है। तो हम क्या करते हैं, हार्ड करने के बाद जो अतिरिक्त भंगुरता इसके अंतर्गत आ गई है हार्डनेस की वजह से, उसको दूर करने के लिए टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग हमारा 400 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम होता है, उसके नीचे ही गर्म करते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है, तो इसमें अतिरिक्त जो भंगुरता आई थी वह समाप्त हो जाती है और टेम्परिंग से हमारे जो मेटल होते हैं उसमें शॉक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, मतलब झटके सहने का गुण उत्पन्न हो जाता है, शॉक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, या फिर कह लीजिए टफनेस का गुण उत्पन्न हो जाता है, किसका गुण, टफनेस का गुण उत्पन्न हो जाता है, किसकी वजह से, टेम्परिंग की वजह से, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो ये पूछ रहा है कि 230 डिग्री सेल्सियस गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर करते हैं, देखिए 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रखते हैं, वो अलग अलग टूल के हिसाब से हम लोग उसके टेम्परेचर को रखते हैं, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परिंग नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे टैप की बात कर रहा है, ड्रिल की बात कर रहा है, टर्निंग टूल की बात कर रहा है, तो जो टर्निंग टूल होता है हमारा ना यही होता है जिसे हम लोग 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके और फिर उसे ठंडा करके टेम्परिंग करते हैं, किसका, टर्निंग टूल का। टर्निंग टूल क्या है, तो आप देखे होंगे लेथ मशीन, लेथ मशीन के चक में, लेथ मशीन के चक में हमारा बेलनाकार जॉब पकड़ा जाता है और इसकी टर्निंग करने के लिए हमारा कैरिएज पर टूल पोस्ट में एक टूल ऐसे सिंगल कटिंग टूल होता है जो बधा रहता है कहाँ पे, कैरिएज पे, इसमें लेथ मशीन के कैरिएज पे टूल पोस्ट लगा होता है, वहां पे हमारा यह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बधा रहता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो कि टर्निंग का काम करता है, हमारा यह जॉब होता है या राउंड राउंड मतलब रोटेशनल रोटरी मोशन करता है और यह इसमें इस तरह से गति करता है अपना आगे पीछे की, ठीक है, रोटरी मोशन।
तो यह हमारे इस तरह से चलता है और रोटरी मोशन करता है, यहाँ पे टर्निंग होता है। तो यह जो कटिंग टूल है हमारा, इसी कटिंग टूल की बात कर रहा था, इसी को टर्निंग टूल कह रहा है क्योंकि यह टर्निंग करने के काम आ रहा है। तो इस टर्निंग टूल की टेम्परिंग हम 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके करते हैं, ठीक है। वहीं पे ड्रिल की बात की जाए तो ड्रिल की जो होता है टर्निंग हमारा, वह 240 डिग्री सेल्सियस पर। मैं बाकी सबका भी बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन होगा थोड़ा बहुत चेंज करें तो आपको दिक्कत ना हो। टैप की बात की जाए तो टैप जो होता है हमारा, वह 250 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और वहीं पर रीमर की बात की जाए तो यह 260 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो सबका नोट कर लीजिएगा और इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, स्टील में हम लोग नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो इतनी बार आ चुके हैं, जितनी बार आया मैंने उतनी बार आपको डिटेल में समझाया, उतनी बार डिटेल में समझाया, तो अब तक आपको तो ये चीज याद हो जानी चाहिए भाई, स्टील में नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं। चलिए, मैंने आपको तरीका भी बताया था कि एक तो होता है कि आपको सीधे याद हो आप उस तरीके से कर लो, या दूसरा आप ऑप्शन पढ़ करके भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि कह रहा है टू एडिंग कटिबिलिटी, काटने की क्षमता जोड़ना। कोई भी वस्तु काटने की क्षमता कब जुड़ेगी, जब वह हार्ड होगी भाई। कोई वस्तु दूसरे वस्तु को तभी काट पाएगी ना जब वह हार्ड होगी, कठोर होगा तो सॉफ्ट वाले को काट देगा। तो इसका मतलब कोई वस्तु में काटने की क्षमता जोड़ना है, मतलब आप चाह रहे हो कि यह वस्तु दूसरे को काट दे, तो इसका मतलब इसको आप हार्ड कर दो, कठोर कर दो, तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिक काट देगा। तो कठोर कैसे होगा, तो कठोर करने के लिए हमें हार्डनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, हार्डनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है उच्च कठोरता विकसित करना। भाई कठोरता कैसे विकसित होगी किसी मेटल के अंदर, जब उसको आप हार्डनिंग करोगे, हार्डनिंग करने से तो कठोरता विकसित होगी, ये भी वही बात होगी, देखिए दोनों सेम बात होगी। तीसरा कह रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन दूर करना, इसको भी छोड़ देते हैं। चौथा कह रहा है टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाना। कोई वस्तु कब नहीं घिसेगी, घिसने का प्रतिरोध मतलब कोई उसे घिसे तो उसका विरोध करे, तो कोई वस्तु कब नहीं घिसेगी, वस्तु तब नहीं घिसेगी जब वह कठोर होगी, हार्ड होगी। यहां भी सेम वही बात आ गई, ये तीनों सेम हो गए, तीनों ऑप्शन जो है पहला दूसरा और चौथा है तीनों हार्डनिंग के द्वारा ही उत्पन्न होगा। अब बचा क्या, टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। कोई ऑप्शन नहीं, बाकी तीनों आपने सॉल्व कर दिया ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। या दूसरा तरीका कि मैंने आपको बताया था कि एनिलिंग के द्वारा स्ट्रेस स्ट्रेन दूर किया जाता है, बट जब कभी ऑप्शन में एनिलिंग नहीं होता है उस केस में हम लोग नॉर्मलाइजिंग को सही कर लेते हैं। बाकी नॉर्मलाइजिंग के द्वारा और क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग के द्वारा आंतरिक दोष को दूर किया जाता है, आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन किया जाता है, आंतरिक ग्रेन साइज को रिफाइन किया जाता है। तो ये सब काम किसके हैं, नॉर्मलाइजिंग के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। अभी जस्ट पीछे वाले में हमने देखा वियर रेजिस्टेंस किससे बढ़ा था, सॉरी लास्ट टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाना। कौन बढ़ाया था, हार्डनिंग बढ़ाया था। सेम वही चीज देखिए यहां हो गया, ठीक है, कि वियर रेजिस्टेंस को कौन बढ़ा रहा है, हार्डनिंग बढ़ा रहा है। भाई हार्डनिंग से ही तो होगा, कठोर होगा, बात एक ही है सब। देखिए रटने वाली चीजें नहीं है, हार्ड करने का मतलब वस्तु कठोर हो जाना। जब कोई वस्तु कठोर हो जाएगी तो उसमें वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब घिसेगी नहीं, कठोर होगी तो दूसरे को काट देगी। तो सब एक ही बात है, रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए, चीजों को समझिए, सब अपने आप होगा। एनिलिंग क्या है, एनिलिंग जब किसी वस्तु की जाती है तो वह वस्तु की क्या करती है, कठोरता को दूर कर देता है, कठोरता दूर कर देता है। कठोरता दूर करने का आप क्या मतलब हो गया भाई, अगर एनिलिंग के द्वारा किसी चीज का आपने कठोरता दूर कर दिया, कठोरता दूर हो गया तो इसका मतलब वस्तु क्या होगी, सॉफ्ट हो गई। सॉफ्ट होने का मतलब डक्टिलिटी का गुण आ गया। सब देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है, अलग अलग नहीं रटना भाई। कठोरता दूर हो गई, कठोरता हट गई तो क्या बचा, सॉफ्ट हो गई ना, इसका मतलब एनिलिंग से सॉफ्टनेस का गुण आ गया, डक्टिलिटी का गुण आ गया, मशीनेबिलिटी का गुण आ गया। मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी क्या होता है भाई, तो किसी वस्तु को अगर आसानी से काटा और घिसा जा सके तो उसी को मशीनेबिलिटी कहते हैं। देखिए आप चीजें जानते रहोगे तो समझ जाओगे। अब हम जान रहे हैं कि एनिलिंग से क्या हो रहा है, वस्तु सॉफ्ट हो रही है। अगर वस्तु सॉफ्ट है तो उसे आसानी से काट और घिस सकते हैं, अगर वस्तु आसानी से काट और घिस सकती है इसका मतलब उसके अंदर मशीनेबिलिटी का गुण है, उसके अंदर मशीनेबिलिटी का गुण है। तो ये सारी चीजें हमारे किससे आती है, एनिलिंग से आती है। बाकी स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करते ही है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। टेम्परिंग क्या है, हमने अभी बात किया था कि जब कभी भी हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग की वजह से उस वस्तु में अतिरिक्त भंगुरता आ जाती है, जिस वजह से हम उस टूल को यूज नहीं कर पाते हैं। तो उस टूल को यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो शॉक रेजिस्टेंस, सॉरी इंपैक्ट लोड को सहन नहीं कर पाता है, शॉक रेजिस्टेंस की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग हार्डनिंग करने के तुरंत बाद उसकी टेम्परिंग करते हैं, जो 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे किया जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें टफनेस का गुण उत्पन्न हो जाता है और शॉक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, फिर हम उस टूल को यूज कर पाते हैं। तो यह काम किसका था, टेम्परिंग का था। क्या था, शॉक रेजिस्टेंस उत्पन्न कर देगा, शॉक रेजिस्टेंस, या फिर कह लीजिए टफनेस का गुण उत्पन्न हो जाएगा, टफनेस का गुण उत्पन्न हो जाएगा। नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग मतलब वही नॉर्मल करना, मतलब
आंतरिक दोष को दूर करेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर की परिष्कृत करेगा, या फिर कह लीजिए आंतरिक ड्रेन साइज को परिष्कृत करेगा। तो यह सब काम किसका है? नॉर्मलाइजिंग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनीलिंग, एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? भाई एनीलिंग क्या कर रही थी, हमने पहले ही बात किया, वह कठोरता दूर कर दे रही थी। कठोरता दूर करने का मतलब है कि स्टील सॉफ्ट हो जाएगी। स्टील सॉफ्ट होने का मतलब है कि उसे आसानी से काटा घिसा जा सकता है। आसानी से काटा घिसा जा सकता है मतलब है कि उसकी मशीनेबिलिटी की योग्यता बढ़ गई, डक्टिलिटी बढ़ गई, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्टील क्या हो जाएगी एनीलिंग से, स्टील को नरम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाई काटने की क्षमता किससे जुड़ेगी, हार्डनिंग से जुड़ेगी। किससे जुड़ेगी, हार्डनिंग से जुड़ेगी। वहीं बात कर ले जाए घिसने का प्रतिरोध, हार्डनिंग से बढ़ेगा। स्टील के ग्रेन संरचना को रिफाइन करना, ग्रेन संरचना कैसे रिफाइन होगी, नॉर्मलाइजिंग के द्वारा। कैसे रिफाइन होगी, नॉर्मलाइजिंग के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। देखिए यह फिगर मैंने अलग से दे रखा है आपको समझने के लिए। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर हेड स्क्रू है। यहाँ हम देख रहे हैं यह स्क्रू है हमारे पास और इसका हेड कैसा है, देखिए ध्यान से स्क्वायर है, चार प्लग। तो यह स्क्वायर हेड स्क्रू है। ज्यादातर हम लोग स्क्वायर हेड वाला जो स्क्रू होता है ना लकड़ी के कामों में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर हेड स्क्रू हो गया। कह रहा है कि स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है। कॉलर मतलब तो आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर हेड के साथ एक गोल सा वाशर जैसा लगा हुआ है, इसी को कॉलर कहते हैं। इसी को क्या कह रहा है, कॉलर कह रहा है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। तो जब हम लोग स्क्वायर हेड स्क्रू बनाते हैं ना, तो स्क्रू को बनाते टाइम ही इसके हेड के नीचे, स्क्वायर हेड के जस्ट नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक गोलाकार भाग फोर्जिंग के द्वारा बना दिया जाता है। क्या किया जाता है, स्क्रू को बनाते समय ही इसके स्क्वायर हेड के जस्ट नीचे एक गोलाकार भाग वाशर नुमा गोलाकार भाग फोर्जिंग करके स्क्रू बनाते समय ही बना दिया जाता है। इससे फायदा यह होता है कि जब इस टाइप के हम लोग स्क्रू कहीं पे यूज करते हैं तो उसके साथ अलग से वाशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अलग से वाशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यही हमारा वाशर का काम कर देता है, ये फायदा होता है। ठीक है, तो वाशर से क्या फायदा है भाई, ये वाशर का काम कर गया, वाशर से क्या फायदा है, तो जब कहीं पे हम लोग स्क्रू अगर लगाते हैं किसी होल में, तो अगर मान लीजिए यह बिना वाशर वाला है तो नॉर्मल आपका हेड यहाँ तक आएगा, तो जब आप इसको टाइट करोगे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ सरफेस के टूटने का डर रहता है। अगर होल से थोड़ा सा ही बड़ा हमारा हेड है तो क्या होगा, जो आप टाइट करोगे इसको तो इसका पूरा प्रेशर यहाँ सरफेस पे पड़ेगा तो सरफेस के टूटने का डर रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे वाशर लगा देते हैं। जब वाशर लगा देते हैं उस होल के नीचे यहाँ पे, जब हम लोग क्या करेंगे वाशर लगा देंगे तो वाशर यहाँ तक फैल जाएगा। अब आपका हेड भले ही यहाँ तक था, अब इस हेड का जो प्रेशर था अब इस वाशर पे चला जाएगा, और वाशर पहले पता चला इतने में ही वो प्रेशर लग रहा था, वाशर ने उस प्रेशर को फैला दिया दूर तक सरफेस पे। जब प्रेशर दूर तक सरफेस पे फैल जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। भाई एक उंगली से आप एक ही जगह प्रेशर लगा रहे हो, आप उतना ही प्रेशर थोड़ा चौड़ी जगह पर लगाओगे तो प्रेशर चारों सरफेस पे बढ़ गया ना। तो यही फायदा होता है कि वाशर क्या करता है, जो प्रेशर पड़ता है, जो दबाव पड़ता है, उसको समान दूरी में वितरित कर देता है दूर तक, जिससे कि प्रेशर कम हो जाता है और सरफेस हमारे नुकसान होने से बच जाती है। तो वही ऑप्शन देखिए यहाँ पे, कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, कार्य की जो सरफेस है यह सुरक्षित रहेगी, टूटेगी नहीं, क्योंकि जो वाशर होता है इस तरह से, तो वाशर नुमा जो हेड होता है या क्या करता है, जो प्रेशर पड़ता है प्रेशर को बराबर फैला देता है, बांट देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। देखिए ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लग गेज वगैरह बहुत ज्यादा हो चुका है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। भाई प्लग गेज मैंने बताया था पहले तो रिंग गेज बाहरी सरफेस के लिए, क्योंकि रिंग उंगली के ऊपर पहना जाता है तो बाहरी सरफेस के लिए, प्लग सॉकेट के अंदर चला जाता है तो आंतरिक माप के लिए। तो प्लग गेज मतलब पहले ही पता चल गया, पहले इसको छोड़िए, प्लग का मतलब आंतरिक माप लेगा। अब कौन सा आंतरिक माप लेगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है टेपर प्लग गेज, इसका मतलब आंतरिक माप लेगा लेकिन टेपर वाला माप लेगा। अगर कहीं पे होल टेपर में है तो उसके माप को चेक करेगा। तो ये जो फिगर मैंने ले रखा है ये टेपर प्लग गेज का है, यहाँ पर आगे का हिस्सा इस तरह से इसका टेपर बना होता है। इसके द्वारा होल को कैसे चेक करते हैं, तो इसके द्वारा होल को चेक करते समय हमें इसी चीज का ध्यान रखना होता है कि यह जो दो लाइनें यहाँ बनी हुई है, तो जब भी हम होल का माप लेंगे तो यही हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा यह टेपर प्लग गेज है, यह होल के अंदर, मान लीजिए कोई जॉब है हमारा, जॉब में हमारा क्या है, होल टेपर में ऐसे बना हुआ है, जॉब में होल ऐसे टेपर में बना हुआ है, तो अब इसको चेक करना होगा इससे, तो हम लोग इसको इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा यह प्लग गेज है या तो मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ तक जाना चाहिए। मतलब अगर हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करें और अगर यह पहले ही टाइट होकर फंस करके यहीं पे रुक जाता है, इससे ज्यादा अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ इतना हिस्सा अंदर जा रहा है, इसका मतलब यह होल सही नहीं है। यह होल सही कब माना जाएगा, जब हमारा प्लग गेज मिनिमम यहाँ तक जाए, कम से कम यहाँ तक पूरा अंदर चला जाए,
या तो मैक्सिमम यहां तक जाए, अगर इससे ज्यादा भी अंदर चला जाएगा, यहां तक अंदर चला जाएगा तब भी होल गलत हो जाएगा, इनके बीच में रहेगा तो चलेगा, मिनिमम यहां तक आए, मैक्सिमम यहां तक आए, इसके बीच में यहां आए, यहां आए, यहां आए, कहीं तक भी अंदर जाए सब सही माना जाएगा, मतलब मिनिमम यहां तक अंदर जाना चाहिए, मैक्सिमम इससे ओवर चला जाएगा तब भी होल गलत है, इससे पहले रुक जाएगा फंस करके तब भी होल गलत है। तो इस काम क्या होता है, टेपर प्लग गेज का होता है, आंतरिक टेपर को चेक करने के लिए ऑप्शन देखिए, देखिए सी वाला, परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच करना, टेपर होल की जांच करने के लिए, ठीक है। पहला क्या था, परफेक्ट फिट के साथ छेद की जांच करें, तो इसके लिए क्या होगा, हमारा हमारा प्लग गेज होगा, नॉर्मल जो प्लग गेज होता है, नॉर्मल प्लग गेज होता है इस तरह से ना, और एक साइड हमारा छोटा वाला नो गो और लंबा वाला जिधर सिरा होता है हमारा गो वाला होता है, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आपके बुलाई में जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल प्लग गेज हो जाता है जो कि होल की जांच करने के लिए यूज किया जाता है, डबल एंडेड प्लग गेज भी इसको कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज भी आता है जिनमें दोनों एक ही साइड रहता है, ठीक है। अंदर थ्रेड की डाया की जांच करें, देखिए डाया को जांच कर रहा है लेकिन अंदर के थ्रेड की, अंदर के थ्रेड की जब अंदर वाले के आंतरिक वाले की जांच करेगा तो हमारा प्लग गेज ही रहेगा, लेकिन कौन सा प्लग गेज हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज में क्या होगा, सेम यही प्लग गेज रहेगा, सिर्फ आगे यहाँ क्या होगा, जो बेलनाकार भाग था इस पर अगर थ्रेड काट दिया जाएगा और इधर भी थ्रेड कट जाएगा तो वह थ्रेड प्लग गेज कहलाएगा, आंतरिक चूड़ी को चेक करने के लिए। बाहरी ब्यास की टेपर की एक्यूरेसी की जांच करने के लिए, देखिए बाहरी ब्यास की टेपर चेक करना है, जब अंदर का टेपर चेक करना था प्लग गेज ले लिया हमने अंदर के लिए, टेपर लगा दिया आगे, अब बाहर का टेपर चेक करना है तो बाहर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, रिंग गेज यूज करते हैं, बाहर के लिए रिंग गेज यूज करते हैं, चूंकि टेपर बाहर के लिए तो टेपर रिंग गेज, बस आगे टेपर लगा दीजिए काम हो गया। वैसे प्लग गेज अंदर के लिए यूज करते हैं कि क्या था, अंदर का टेपर चेक करना था तो टेपर प्लग गेज, तो सेम वही काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इनके नाम से ही आप आधी चीजें पकड़ लोगे कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, एडजस्टेबल रिंग लैप में, देखिए यह जो फिगर है हमारा एडजस्टेबल रिंग लैप का है, एडजस्टेबल रिंग लैप, ठीक है, यह भी हमारा रिंग लैप की भी अंतर्गत आता है, लेकिन यह देखने में देखने कैसा दिख रहा है, बूश टाइप का दिख रहा है, बूश आपने देखा होगा जो बियरिंग वगैरह में होता है, जहां पे हमारा फ्रिक्शन बियरिंग होता है ना, तो वहां पे हमारा जो प्लम्बर ब्लॉक रहता है, ब्लॉक के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, साफ्ट को लगाते हैं, तो साफ्ट अगर डायरेक्ट बियरिंग के अंदर घूमेगा फ्रिक्शन बियरिंग में तो क्या होगा, साफ्ट डायरेक्ट फ्रिक्शन बियरिंग से संपर्क करता है, पूरा साफ्ट का पूरा हिस्सा बियरिंग से संपर्क करता है, तो अगर डायरेक्ट बियरिंग के अंदर घूमेगा तो बियरिंग घिस जाएगी, घिसने से बियरिंग का डाया बढ़ जाएगा, तो हमें पूरा बियरिंग चेंज करना पड़ेगा जो कि हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए उस टाइप के बियरिंग में बुश बियरिंग बनाया गया था, उस बियरिंग के अंदर एक अलग से बेलनाकार भाग ऐसे बुश का रहता था, उस बुश को डाल देते थे ताकि जब साफ्ट इसके अंदर घूमे तो बियरिंग ना घिस करके बुश घिसता था, बुश जब हमारा घिस जाता था तो एक छोटा टुकड़ा होता था, इसको निकाल करके दूसरा चेंज कर देते थे तो ज्यादा महंगा नहीं पड़ता था। तो यह भी देख रहे हैं इसी तरह से गोलाई में बूश जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्लिट बूश बोलते हैं। कौन सा लैप होता है यह, स्प्लिट बूश लैप, एक तरह का एडजस्टेबल वाला लैप ही है, स्प्लिट बूश लैप, स्प्लिट इसलिए क्योंकि देख रहे हैं ना इसमें एक चौड़ा सा भाग यहाँ से यहाँ कटा हुआ है, स्प्लिट कटा हुआ है लंबा सा, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, दो भागों में विभक्त है भाई, बीच में एक भाग कटा हुआ स्लॉट लंबा सा दो भागों में विभक्त है, इसलिए इसको स्प्लिट बोल देते हैं, बूश जैसा दिखता है तो बूश लैप होता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देखिए स्क्रू लगा हुआ जिसकी मदद से इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे जो हमने देखा एडजस्टेबल रिंग लैप, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिया गया, देखिए यह क्वेश्चन पहले आ चुका है पिछले पार्ट में, और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जो होता है यह होल दिया गया होता, होल किस लिए दिया गया था, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए क्या दिया गया था, होल दिया गया था। और उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो यह स्लॉट कटा हुआ है, जो यह स्लॉट कटा हुआ था, यह हम स्क्रू टाइट करते हैं तो इससे थोड़ा बहुत इसका साइज एडजस्ट होता है, क्या एडजस्ट होता है, साइज एडजस्ट होता है, प्लस मैंने यह भी बताया था कि इसकी मदद जब यह साइज यह एडजस्ट करेगा, जब यह नजदीक आएगा तो उस हिसाब से इसमें जो हम लोगों ने लैपिंग कंपाउंड भर रखा है यह भी अंदर बाहर होगा, तो इस हिसाब से मतलब हम लैपिंग कंपाउंड का जो फीडिंग की मात्रा है कि कितना फीड करना है, कितना देना है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैंने बताया था आपको कि स्लॉट की मदद से लैपिंग कंपाउंड के फीडिंग को भी कंट्रोल किया जाता है, लैपिंग कंपाउंड के फीडिंग को भी कंट्रोल किया जाता है। और क्वेश्चन में भी वही था
कि भाई एडजस्टेबल रिंग लैंप में स्लॉट क्यों दिया गया है या स्लॉट क्यों दिया गया है, तो ऑप्शन देखिए स्नैन के लिए, क्लियरेंस के लिए, एक्सटेंशन के लिए, लास्ट परमिट फीडिंग ऑफ लैपिंग कंपाउंड, लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति के लिए, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला आपके सामने है, कौन सा घर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुड़ नहीं होता है और महंगा होता है। ये भी क्वेश्चन मैं पिछले वाले पार्ट में करा चुका हूं, अगर आपने पिछला पार्ट अच्छे से देखा होगा तो आप अब तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग ऐसे थे जिनको पिछले पार्ट की चीजें याद थी और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन देख लिया, आंसर सही टिक कर लिया था। ठीक है, चलिए देखिए डायमंड क्या होता है। डायमंड सबसे कठोर होता है, डायमंड सबसे कठोर होता है, इसलिए यूज किया जाता है भाई छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए। इसके लिए यूज होता है छोटे, ठीक है, छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए, छोटे सुराखों की लैपिंग, ठीक है। या फिर हम लोग बात करते हैं किसका, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड या फिर सिरेमिक, सिरेमिक के लिए, ठीक है। बोरान कार्बाइड क्या होता है, कठोरता के बाद हीरे के बाद दूसरे स्थान पे आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, हीरे के जस्ट दूसरे नंबर पे, उसके बाद आता है हमारा बोरान कार्बाइड। इसी का हमने बात किया था कि किसके लिए होता है, डाई व गेजो की लैपिंग के लिए, डाई व गेजो की, गेजो की लैपिंग के लिए, डाई व गेजो की लैपिंग के लिए, ठीक है। और यही हमारा बोरान कार्बाइड है जो कि क्या है, महंगा है और उतना अच्छा कटाई गुड़ भी नहीं होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड की बात हुई थी हमारा, अधिक मात्रा में काटना हो या फिर यस से स्टील और सी से कास्ट आयरन, मैंने बताया था, तो हार्डेंड स्टील, हार्डेंड स्टील और कास्ट आयरन, इनके लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड यूज करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड में आपका क्या होता है, तो अच्छी फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें भी दो था, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड, फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड, ठीक है। फ्यूज्ड वाले में क्या था, हमारा सॉफ्ट स्टील, सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस के लिए, नॉन फेरस के लिए, अलग धातुओं के लिए। जबकि अनफ्यूज्ड वाला क्या था, उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए, उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए। ये चीजें मैंने पहले ही बताई होगी, दोबारा मैंने बता दिया इसको, देखिए नहीं पहले ध्यान दिया था आपको, अब नोट कर लीजिएगा और चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज लैपिंग, लैपिंग क्या है, देखिए लैपिंग क्या होता है, तो फाइलिंग ऑपरेशन, देखिए फाइल ये अलग हो गया ना, ये लैपिंग पूछ रहा है, लैपिंग क्या हो रहा है, फाइलिंग ऑपरेशन, फाइलिंग तो फाइल के द्वारा होता है ना, लैप से तो कोई कॉन्टेक्ट है नहीं। और ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग के द्वारा होता है, ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा होता है। चिजलिंग ऑपरेशन, चिजल के द्वारा होता है, छेनी के द्वारा होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर बचा क्या, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन, तो ये बिल्कुल सही है। आपका जो लैपिंग होता है हमारा, एक प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन का मतलब है कि एक अच्छी फिनिशिंग देना, सूक्ष्म, प्रिसीजन का मतलब क्या, सूक्ष्म और फिनिशिंग प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्राइंडिंग हो, चाहे आपका फाइलिंग हो, टर्निंग हो, होनिंग हो, इन सब की अपेक्षा सबसे अच्छी फिनिशिंग किससे प्राप्त होता है, लैपिंग के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, इस लैप टूल का नाम क्या है। देखिए अभी मैंने जस्ट पीछे वाले में बताया था यह टूल आपको दिखा करके कि इसको क्या कहते हैं, कैसा दिख रहा है, यह बुस के जैसा, बुस के आकार का दिख रहा है, प्लस इसमें लंबा सा स्प्लिट कटा, लंबा सा स्लॉट कटा हुआ, जिससे यह दो भागों में विभक्त हो गया है। दो भागों में विभक्त मतलब स्प्लिट होना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, बूस है और स्प्लिट है, इसलिए स्प्लिट बूस लैप, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एडजस्टेबल रिंग लैप, यहाँ देखिए साइड में एडजस्टेबल रिंग लैप, हमने इसका भी बात किया था कि एडजस्टेबल रिंग लैप में क्या होता है, यह दो होल होते हैं जो लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने का काम करते हैं, यह हमारा स्लॉट होता है जो लैपिंग कंपाउंड के फीडिंग को कंट्रोल करता है। फिर एडजस्टेबल सॉलिड लैप, तो यह वाला जो हमारा एडजस्टेबल सॉलिड लैप है, देखिए देखने में भी पूरा सॉलिड टाइप का, ठोस टाइप का दिख रहा है ना, एडजस्टेबल सॉलिड लैप कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह जो कटा होता है इसको हम लोग क्या, ग्रूव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं। यह ग्रूव क्या करता है, यह लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने का काम करता है। और यह लंबा सा जो होता है यहाँ पे, यह लंबा सा कटा हुआ भाग, यहाँ पे स्लिट बोलते हैं इसको, दो भागों में इसको विभक्त कर रखा है, इसको क्या बोला जाता है, इस वाले चीज को स्लिट बोला जाता है। और स्लिट का क्या काम होता है, ग्रूव का काम है लैपिंग कंपाउंड को पकड़े रहना, और स्लिट का काम है फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए, नट को टाइट करेंगे या फैलेगा, विस्तार होगा, तो एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए स्लिट होता है, और लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए ग्रूव होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चार्जिंग सिलिंडर लैप, तो देखिए यह कोई अलग चीज नहीं है, यह जो हमारा सिलिंडर लैप है अभी नॉर्मल लैप है, इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, एब्रेसिव पार्टिकल का पेस्ट भर देंगे तो यह चार्ज हो जाएगा, तो इसको बोला जाएगा चार्जिंग सिलिंडर लैप, यह कोई नई चीज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
कह रहा है व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, एक फार्मूला है, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, मैं तरीका बताऊंगा आपको, फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा। व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होती है, लीड क्या होता है, सबसे पहले हमें देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यह क्या है, बोल्ट है, हमारे पास एक बोल्ट है और इसका फैंक है, और इस पर क्या कटा हुआ, इस पर कटा हुआ है थ्रेड, पर कटा हुआ है हमारा थ्रेड, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या चलाते हैं, इस पर घूमेगा हमारा क्या, नट, नट होगा, नट के अंदर आपकी थ्रेड कट, नट को हम लोग इस पर घुमाते हैं। तो जब नट इस पर चढ़ाया जाता है तो नट के लीड क्या होती है, तो नट को एक चक्कर घुमाने पर, नट को एक चक्कर घुमाने पर वह जितनी दूरी इस बोल्ट के ऊपर चलेगा वह उसकी लीड कहलाती है। आगे बात समझ में, नट को एक चक्कर घुमाने पर वह बोल्ट के ऊपर जितनी दूरी चलेगा वह उसका क्या कहलाएगा, लीड कहलाएगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि भाई यह थ्रेड कटा हुआ है और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के जो बीच की दूरी होती है हमारा वह क्या होता है, पिच होता है। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो देखिए डिपेंड करता है कि नट एक चक्कर घुमाने पर कितनी दूरी चलेगा। अगर सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, क्या है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो क्या होगा, लीड अगर हमें पता करनी है उसकी लीड क्या होगा, ठीक है, इसकी लीड, लीड बराबर होगा जब हम इसको एक चक्कर घुमाएंगे। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है कि नट को एक चक्कर घुमाने पर वह एक थ्रेड के बराबर दूरी चलता है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, तो एक चक्कर घुमाने पे वो एक थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। तो जब लीड बराबर क्या आ जाएगा, लीड वही होता है कि एक चक्कर घुमाने पे कितना दूरी चला, और हमें मालूम है सिंगल स्टार्ट थ्रेड में नट एक चक्कर घुमाने पे एक थ्रेड के बराबर दूरी चलता है, और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, पिच के नाम से जानते हैं। इसका मतलब लीड बराबर क्या आ जाएगा, आपका पिच आ जाएगा। हमने एक चक्कर घुमाया तो एक थ्रेड के बराबर दूरी चला, और एक थ्रेड के बराबर जो दूरी होती है उसी को पिच कहते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में जो लीड होगा वो पिच के बराबर होगा। वहीं पर अगर हम बात करें डबल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड, इसमें लीड बराबर क्या होगा, देखिए डबल स्टार्ट थ्रेड में क्या होगा कि नट को जब एक चक्कर घुमा, डबल स्टार्ट थ्रेड है तो दो थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा। सिंगल स्टार्ट में एक चक्कर घुमाने में एक थ्रेड के बराबर दूरी, डबल स्टार्ट में एक चक्कर घुमाने में दो थ्रेड के बराबर दूरी। अगर ये ट्रिपल स्टार्ट रहेगा तो एक चक्कर घुमाने में तीन थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा, क्योंकि डबल स्टार्ट है तो एक चक्कर घुमाने में क्या, दो थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा ना, और एक थ्रेड के बराबर दूरी चला तो एक पिच, दो थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा तो क्या होगा, एक पीछे भी हो जाएगा, एक पीछे भी, एक एक दो पिच हो गया ना, तो दो गुणे पिच, ठीक है, पी प्लस पी कर लीजिए दो पी हो जाएगा, या दो गुणे पी कर दीजिए, दोनों एक ही बात है, दो पी हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पे क्या हो, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड हो, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड, लीड बराबर, देखिए मैंने बताया ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड होगा तो एक चक्कर में तीन थ्रेड के बराबर दूरी चलेगा वन, तो फिर क्या होगा, एक दो तीन, तो तीन पी हो जाएगा, तो तीन गुड़े पीच हो जाएगा। अब यहां से अगर हम फार्मूला बनाना चाहें, देखिए क्या बन रहा है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या लीड बराबर पीच, या गुड़े एक लीजिए, एक लिख लीजिए, एक का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टार्ट कितना था। देखिए डबल स्टार्ट थ्रेड में क्या, लीड बराबर दो गुड़े पीच, मतलब दो पिच के लीड किसके बराबर है, दो पिच के बराबर है, या फिर आप कहिए डबल स्टार्ट थ्रेड है तो नंबर ऑफ स्टार्ट कितना हो गया, दो हो गया, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है तो नंबर ऑफ स्टार्ट कितना हो गया, तीन हो गया। इसी हिसाब से फार्मूला बना दिया गया कि लीड बराबर दो गुणे पिच के, या कहिए कि पिच गुणे नंबर ऑफ स्टार्ट, जितना नंबर ऑफ स्टार्ट था उतना लिख देंगे उसका लीड पता चल जाएगा। इसी से फार्मूला बनाया गया था, देखेंगे आप, पिच गुणे नंबर ऑफ स्टार्ट है, जो स्टार्ट की संख्या है, पिच गुणे नंबर ऑफ स्टार्ट, ऑप्शन यही सही है आपका, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है, लीड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस स्क्रू का नाम क्या, देखिए यह स्क्रू यहाँ पे दिखा रखा है, इसे ये पार्ट के अंदर चला जाता है, यह स्क्रू है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं इसमें कोई हेड वगैरह नहीं है, अगर हेड नहीं है तो यह पार्ट को पकड़ेगा कैसे, जैसे बाकी में तो हेड होता है, जब किसी बॉडी पार्ट पे टाइट किया जाता है तो यह हेड बॉडी पार्ट पे टकराता है, उसको दबाता है, मतलब यह सब जो स्क्रू या बोल्ट होते हैं ये किसी बॉडी को अपने हेड से पकड़ते हैं, हेड के द्वारा प्रेशर बना करके उसको पकड़ते हैं। देखिए इसमें तो हेड है ही नहीं, इसका मतलब यह किससे पकड़ेगा, तो यह अपने टेल से, अपने टेल से, या कह लीजिए जो इस पे थ्रेड कटा हुआ है इसके माध्यम से जो आपको पकड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए यह हल्के कामों के लिए यूज किया जाता है, हल्के कामों के लिए जो यह दिखाया गया है। और इस स्क्रू को क्या कहते हैं, ग्रब स्क्रू कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रब स्क्रू कहते हैं। इसमें जो होता है हेड नहीं होता है, इसके अंदर देख रहे हैं हेक्सागोनल खांचा काट दिया गया, स्लॉट काट दिया गया, जिससे कि एलन की वगैरह लगा करके इसको खुलाया टाइट किया जा सकेगा, वह इस तरह से पार्ट में यूज किया जाता है। हेक्सागन हेड स्क्रू क्या होता है, तो यह वाला जो है आपका हेक्सागन हेड स्क्रू है, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः फेस हैं,
तो हेक्सागन हेड, तो सबसे अधिक यूज होने वाला यही है। नॉर्मली जो सबसे ज्यादातर यूज किए जाते हैं हमारे स्क्रू वगैरह, वो हेक्सागन हेड वाले यूज किए जाते हैं। राउंड हेड स्क्रू, तो यह वाला जो है हमारा, देख रहे हैं इसका हेड कैसा है, राउंड है, यह देखिए हमारे से राउंड में है। बस इसके बीच में क्या किया गया, एक स्लॉट काट दिया गया है जिससे कि स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे टाइट और लूज किया जा सके। स्क्वायर हेड स्क्रू, तो इसका देखिए इसका हेड कैसा है, 1 2 3 4 स्क्वायर जैसा है। तो स्क्वायर हेड स्क्रू यह ज्यादातर लकड़ी के कामों में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस नट का नाम क्या है, यह नट भी देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यह नट हमारा पहले आ चुका है क्वेश्चन में और हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ, तो फिर से देख लेते हैं कि यह नट कौन सा है। तो हम इससे पहले जानेंगे किसके बारे में, स्लॉटेड नट के बारे में, तब इसके बारे में जानने में मजा आएगा। यह जो स्लॉटेड नट है ना, यह फिगर स्लॉटेड नट का है, क्वेश्चन में सिर्फ वो फिगर दे रखा है, बाकी ये जो दोनों तीनों फिगर आपको दिख रहे हैं ये मैंने अलग से ले रखा है आपको समझाने के लिए। तो देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप ये सारी चीज़ें जो नट वगैरह जो चीज़ें आप देख रहे हैं इसके वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने अपने पेड क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आप एक ना एक अच्छा और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर के आप कोर्सेज देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने जो सारी चीज़ें सब जो आपको दिख रहा है ना, सब नट वगैरह सब चीज़ें मैंने पूरा चैप्टर वाइज हेडिंग वाइज कंप्लीट करा रखा था, तो वहाँ आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए स्लॉटेड नट क्या है, तो यह देखिए हमारा क्या है, यह हमारा नट कौन सा, हेक्सागन वाला है भाई, 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सागन वाला है। अब इसमें हमने क्या किया था, स्लॉटेड नट में क्या किया था, यह लॉक नट के रूप में यूज करते थे। इसमें हमने क्या किया था, जो इसकी मोटाई थी, जो इस नट की मोटाई थी, इसमें एक तिहाई गहराई तक हमने क्या किया, स्लॉट काट दिया सभी फेस पे, 6 फेस है तो 6 फेस पे हमने क्या किया, एक तिहाई गहराई तक, कितना, 1/3, एक तिहाई गहराई तक हमने इसमें स्लॉट काट दिया। क्यों काटा, जिससे कि इस नट को लॉक कर सके। कैसे करेंगे, तो इस टाइप के नट के लिए जो हम लोग बोल्ट यूज करते हैं, इस टाइप के नट के लिए जो हम लोग बोल्ट यूज करते हैं, इस टाइप से होता है और इस पे थ्रेड कटा रहता है और थ्रेड के अलावा इसमें एक गोल सा होल बना होता है और इसके साथ हम लोग, यह बोल्ट में होल बना रहेगा या आपके साथ स्लॉटेड नट हो जाएगा और साथ में हमारे पास होता है स्प्लिट पिन। क्या होता है, स्प्लिट पिन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस नट को जब इस पे टाइट कर लेते हैं तो इस होल के सामने जो भी स्लॉट आएगा उस स्लॉट में इस पिन को डालते हुए इस होल में से पिन को उस पर निकाल देते हैं, फिर दोनों पैर को दोनों साइड मोड़ दिया जाता है, तो इस तरह से क्या होता है, यह नट इसमें लॉक हो जाता है और कितना भी वाइब्रेशन हो खुलता नहीं है। तो स्लॉटेड नट का यही फायदा था कि लॉक नट के रूप में यूज करते थे जिससे मशीनों में कितना भी वाइब्रेशन हो वह खुले नहीं। लेकिन स्लॉटेड नट में दिक्कत क्या है कि हमने क्या किया, जो इस नट की मोटाई थी इसमें एक तिहाई गहराई तक, तो हमने इसमें स्लॉट काट डाला, वो भी 6 फेस पे काट दिया, तो इस तरह से नट की स्ट्रेंथ कम हो गई, नट कमजोर हो गया। तो फिर उसके बाद दिमाग लगाया गया भी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारा लॉक नट वाला भी काम बन जाए प्लस नट की जो है स्ट्रेंथ भी कम ना हो। तो उसके लिए फिर हमने दिमाग लगाया इस कैसल नट का। कैसल नट में क्या किया गया, जो इसकी साइज थी, जो मोटाई थी, उसमें कोई भी कट नहीं लगाया, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, जबकि एक अलग से ऊपर सिलेंड्रिकल भाग बढ़ा दिया गया बेलनाकार आकृति में। उस बेलनाकार आकृति में हमने स्लॉट काटा, मेन वाले में कुछ भी छेड़छाड़ ना करके इसमें एक अलग से भाग बेलनाकार आकृति में ऊपर बढ़ा दिया गया, फिर उसमें हमने स्लॉट काटा। अब इस स्लॉट में हम क्या करेंगे, जिस होल के सामने जो स्लॉट आएगा उसमें स्प्लिट पिन डाल करके दोनों तरफ उसके पैर मोड़ देंगे, वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यह सुविधा करने से क्या हुआ कि नट की स्ट्रेंथ भी सेम बनी रही, नट के सामर्थ्य में उसके ताकत में कोई दिक्कत नहीं आई और हमारा काम भी बन गया। तो इस नट को हमने कैसल नट के नाम से जाना, तो स्लॉटेड नट को ही अपडेट करके कैसल नट बनाया गया। ठीक है, टी नट क्या होता है, तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है टी नट का, फिगर में भी देख सकते हैं आकृति कैसी बन रही है। देखिए इस नट की आकृति उल्टा टी की जैसे बन रही है ना, टी जैसे, तो इसलिए इसको टी नट कहते हैं। इसका ज्यादातर यूज हम लोग मशीन वाइस के टेबल वगैरह पे करते हैं, या जैसे ड्रिल मशीन के टेबल पे। ठीक है, ड्रिल मशीन के टेबल पे क्या होगा, मशीन वाइस आपको लगानी होगी, सॉरी मशीन वाइस मैंने बोल दिया था पहले, ड्रिल मशीन का टेबल पे क्या स्लॉट कटा रहता है, उसमें स्लॉट कटे रहते हैं, तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के जो स्लॉट कटते हैं ना, इस तरह से कटते हैं टी टाइप में, और फिर यह लंबा सा रहता है मशीन के टेबल में से स्लॉट कटा रहता है। ठीक है, तो यह स्लॉट कटा रहता है, तो देख रहे हैं टी आकृति है, तो इस तरह से यह जो नीचे चौड़ा वाला हिस्सा है वह इसके अंदर आ जाएगा और पतला वाला ऊपर इसमें स्लाइड करेगा, तो इधर से साइड से लगा के फिर स्लाइड करता है, तो ऊपर नहीं निकलता क्योंकि यह दोनों जो होते हैं यहाँ से, तो यहाँ साइड से चले जाते हैं, फिर इधर से आगे बढ़ा देंगे तो यह दोनों नीचे फंसा रहेगा, ऊपर नहीं निकलने देगा। तो टी नट जो हमारा टी नट होता है ना, उसके साथ स्टड के साथ, स्टड क्या होता है, तो स्टड के पूरे बॉडी पे क्या कह लीजिए, दोनों साइड के बीच में ऐसे स्क्वायर देता है और दोनों साइड हमारा क्या रहता है, थ्रेड कटा रहता है। तो एक साइड हम लोग इस पर क्या यूज कर लेते हैं, एक साइड लगा लेते हैं टी नट इस स्टड पे और वो नीचे को स्लाइड करता है, बेड में फंसा देते हैं, फिर इस पर जो है
जो मशीन टेबल सॉरी हाँ जो मशीन का टेबल है ड्रिल मशीन का उस पर कोई वाइस वगैरह लगाना है तो अभी आप वाइस के स्लॉट में से स्टड बाहर निकल जाएगा और ऊपर नॉर्मल नट लगा देंगे, एक साइड टी नट और एक साइड नॉर्मल नट लगा करके मशीन टेबल वगैरह पे वाइस वगैरह को फिक्स करने के लिए इस टाइप का टी नट यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास कैप नट। तो यह जो दोनों फिगर दिख रहे हैं हमारे यह किसके हैं, कैप नट के। आप देख रहे हैं कैप नट में एक साइड होल दिखा रहा है जिसमें थ्रेड कटा हुआ और दूसरा साइड बिल्कुल पैक है, जैसे पेन की कैप होती है ना, एक साइड पैक होती है एक साइड होल बना होता है, तो उसी तरह कैप नट में भी क्या है, जैसे पेन की कैप होती है वैसे इसका है, कैप नट है तो एक साइड होल बना होगा जिसमें थ्रेड कटा होगा, दूसरा बिल्कुल पैक होगा। तो इनका यूज करते हैं जिस पे हमारा जो भी बोल्ट होगा, जो बोल्ट होगा उस पर जब हम इसको टाइट कर देंगे तो यह क्या होगा, नट आ करके यहाँ पे टकरा जाएगा और इसकी सतह को सुरक्षित रखेगा, मतलब इसकी जो थ्रेड है वो बाहर नहीं निकलेगी, तो बाहरी धूल मिट्टी वातावरण से या नट या बोल्ट के सतह को उसके थ्रेड को सुरक्षित रखता है बाहरी वातावरण से, कौन, कैप नट। कभी कभी हाइड्रोलिक लीकेज वगैरह भी पूछ लेता है, ऐसे जगहों पर बीज का यूज किया जाता है लीकेज वगैरह को रोकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस नट का नाम क्या है, यह नट आपके फिगर में दिखा रखा है और इसका नाम पूछ रहा है, इसमें देख रहे हैं ना यहाँ पे तीन पॉइंट टाइप पे निकला हुआ, या ऐसे जगहों पे वेल्डिंग वगैरह जहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे ऊबर खाबर आपकी सरफेस होती है तो वहाँ पे सही से नट बैठ नहीं पाता, तो वहाँ पे इस तरह से तीन पिन टाइप पे निकला होता है जो सही से जा करके जो भी खुरदुरी सतह होगी वहाँ पे आसानी से बैठ जाएगा। तो जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह का काम होता है ना, वेल्डिंग सर्फेसेस वगैरह होती है, वहाँ पे इस नट को यूज करते हैं, इसलिए इसको हेक्सागोनल वेल्ड नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल वेल्ड नट। बाकी कैसल नट कौन सा है, तो यह वाला फिगर अभी हमने जस्ट पीछे देखा था, कैसल नट भाई उसके नट में स्लॉट ना काट करके ऊपर बेलनाकार सिलेंडर भाग बढ़ा दिया गया था, उसमें हमने स्लॉट काटा हुआ था। हेक्सागन नट विथ कॉलर, देखिए हेक्सागन नट हमारा है कॉलर के साथ, इसमें देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सर्फेसेस होती है, और जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था ना बोल्ट वाला कॉलर के साथ, वैसे हेक्सागन नट नट है इतना, इसके साथ वासरनुमा कॉलर बना देगा। जब हम लोग नट बनाते हैं उसी समय फोर्जिंग के द्वारा नीचे एक वासरनुमा इसके साथ कॉलर बना दिया जाता है, जिससे कि इस नट के साथ हमें अलग से वासर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही फायदा किसका है, हेक्सागन नट विथ कॉलर वाले, इसमें अलग से हमें वासर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेल्फ लॉकिंग नट, तो जो यह कैसल नट है हमारा, सेल्फ लॉकिंग नट के अंतर्गत ही आता है, और भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, कैसल नट है, स्लॉटेड नट है, साइमन नट है, ठीक है, पेनिंग नट या ग्रूव नट होता है, यह सब कौन से, सेल्फ लॉकिंग नट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला कह रहा है इस रिंच का नाम क्या है, यह रिंच आपको दिखा रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में इस टाइप से, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पास एक नट है, रिंग नट है, और इस पे जो है परिधि पर इसके स्लॉट कटा हुआ, अब इस परिधि पे स्लॉट कटा हुआ तो इसको खोलने के लिए हमें कुछ ऐसा रिंच चाहिए होगा इस टाइप से, आकृति इसी रिंच का नाम पूछा, ठीक है, नट तो दिखा रखा, पूछ रहा है इस रिंच का नाम, तो इस रिंच को आप देखेंगे इसमें आगे ऐसे हुक जैसा बना दिया, फिर इस टाइप से बना हुआ है, आगे कैसी आकृति बन गई है, हुक जैसी बन गई है, तो इसके इस नट पे परिधि पे जो है स्लॉट कटा हुआ है, तो यह हुक जैसा बना रहेगा तो इस स्लॉट में फंस जाएगा और आसानी से टाइट या लूज किया जा सकता है, और चूंकि इसके आगे हुक जैसा बना हुआ है इसलिए इसको हुक स्पैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुक स्पैनर बोलते हैं। फेस रिंच क्या होगा, तो कुछ हमारे ऐसे नट होते हैं, कुछ हमारे बेलनाकार सिलेंडर आकृति के नट होते हैं जिनके फेस पर जो है होल बने होते हैं, जिनके फेस पर होल बने होते हैं, तो उनको टाइट या लूज करने के लिए फेस रिंच यूज किया जाता है, ठीक है। यह वाला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो अगर आप अपने आईटी कॉलेज में ओक्टा प्रोग्राम जाते होंगे तो हैंड ग्राइंडर अगर आपने देखना होगा, क्या देखा होगा, हैंड ग्राइंडर, जो ग्राइंडर होता है जो हाथ में यूज करते हैं, तो ग्राइंडर की जो ब्लेड लगाते हैं कटिंग ब्लेड या ग्राइंडर व्हील जो लगाते हैं, तो व्हील लगाने के बाद फिर आगे एक छोटा सा नट टाइट किया जाता है, उस नट के साथ आपको ये वाला रिंच भी देखने को मिल जाएगा, इसी रिंच की मदद से उसको खोलते और लूज करते हैं, और उस नट को जब हम लोग वहाँ पे व्हील जहाँ लगाते हैं हैंड ग्राइंडर में कटर व्हील या ग्राइंडिंग व्हील लगाते हैं, तो उसके बाद जो नट टाइट किया जाता है उस नट पे देखेंगे तो ऐसे ही होल बना होता है, तो इससे होल जब बना होगा उसके फेस पे, तो इसको खोलने के लिए यह फेस रिंच आता है जिसमें दो ऐसे पिन निकली होती है, दोनों पिन इसमें फंस जाती है और आराम से ऐसे घुमा करके खोल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, फेस रिंच होता है। बाकी देखिए फेस पिन रिंच या फेस रिंच, तो यही ऐसे पिन निकला हुआ ना, तो फेस पिन रिंच यही तो है, पिन टाइप का निकला हुआ है, तो आपका ये फेस पिन रिंच हो जाएगा और यह हमारा हुक स्पैनर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ज़्यादातर तो चीज़ें हम लोग पहले पूरा डिटेल में पढ़ते चल रहे हैं, तो चीज़ें दोबारा कई बार दो बार तीन बार चार बार रिपीट भी हो जा रही हैं, जिससे कि आपका समझ लीजिए आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं, आपका रिविजन भी होता जा रहा है, आप नया पार्ट देख रहे हैं पीछे के साथ साथ में रिविजन भी चल रहा है, तो ऐसे ही आप लोग अच्छे से वीडियो देखते रहिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।